मॉर्निंग, सुबह के हो रहे हैं 10:30। क्लास के लिए मैं होने जा रही हूँ रेडी। क्लास के बाद आज पता है मुझे कहाँ जाना है? उससे पहले मेकअप कर लेते हैं। आपको सबको पता ही होगा कि मैं लैक्मे का फेस सीरम अप्लाई करती हूँ, मतलब एक हफ्ते से अप्लाई कर रही हूँ। उससे पहले कोई और सीरम अप्लाई कर रही थी। ये ना हल्का सा सीरम अप्लाई करो, आपको और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये है मेरा फेवरेट परफ्यूम, निविया का फ्रेश फ्लावर। देन एसक्यू का काजल, मिस रोज का लाइनर और नेल पेंट चेंज करना है आज। ये है मेकअप मैनिया के नेल पेंट, वाइट वाला मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। ये ना यहाँ पे मैंने लगाया था एक हफ्ता पहले, लेकिन अभी इसको ना साफ करके दोबारा से लगाना है। और पैरों पे ये वाला नेल पेंट अप्लाई करना है, येलो, बिकॉज आई लव येलो। ये है मेरा लिप बाम एंड ये है कलर बार का रिमूवर। ये सारी चीज़ें मेरी, मतलब यूजुअली जब मैं क्लास के लिए जाती हूँ तो मैं ये सब चीज़ें निकाल के मैट के ऊपर रख देती हूँ, और ये मैट बहुत काम आ रहा है यार, बहुत अच्छा। सिंगल सो का एप्लीकेशन है, फैलता नहीं है, दिन भर लगा के रखो, और इंटेंस ब्लैक कलर का है। और मिस रोज का जो आईलाइनर है, ये मैं यूजुअली इसको अप्लाई करती हूँ। इसके साथ अगर आप इसको ब्लॉक करते हो ना तो आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग मिलती है। आप अपर पे इसको लाइनर को अप्लाई करोगे तो ये भी सिंगल स्ट्रोक के साथ ही अप्लाई हो जाता है, और लॉन्ग लास्टिंग है, और इंटेंस ब्लैक कलर है। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट सी है, पेन के टाइप, इसको ऐसे मतलब पॉकेट फ्रेंडली है एंड वैल्यू फॉर मनी है। बहुत दिनों से ना मैंने अपर लिड पे आईलाइनर नहीं लगाया है, बहुत दिनों से मैंने मेकअप नहीं किया है, भारत को ड्राई नहीं है। सीरम से ना फेस पे एक बहुत ही अच्छा वाला ग्लो आता है, एकदम से ना एब्जॉर्ब हो जाता है। ये नहीं कि कुछ अप्लाई किया है तो चिप 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 पूरा दिन होती है, साफ़ करते रहो, नहीं, लगाओ इजीली, बहुत जल्दी से अंदर स्किन के आपके चला जाता है और बहुत ही ग्लोई स्किन बनाता है आपकी। तो मैं इसके अलावा और कभी कभी पूरा मेकअप भी कर लेती हूँ, कभी कभी मेकअप मतलब मैंने सूट पहना है तो मैं फाउंडेशन वगैरह लगा लेती हूँ, काजल, लाइनर, बस इतना सा। और लिप शेड, लिपस्टिक ना मैं जब कहीं मुझे घूमने जाना होता तब अप्लाई करती हूँ, अदरवाइज मेरे को ना लिप ग्लोज लगाना ही अच्छा लगता है। बायोटिक का मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने बायोटिक का नया मंगवाया है, ये मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, मे बी आप लोग भी इसको यूज़ करते होंगे। बायोबेरी लिप बाम मॉइस्चराइज रखता है आपके लिप्स को। सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा वाला वहाँ पर डिस्काउंट चलता है, बहुत सारे कूपन कोड जो है इस इन पे सब पे मिलते हैं। हेयर ग्लो लगाते सारे, बस इतना सा लगाना है, पॉकेट फ्रेंडली है ये सारा सामान ना, मेरा पॉकेट फ्रेंडली है, आप जहाँ चाहें वहाँ भी इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। कलर बार का थिनर ख़त्म होने वाला नहीं है, इतना सा रह गया है, दूसरी बॉटल ख़त्म हो गई है शायद से। यार जब बात थिनर की आती है ना तो आपका जो थिनर होता है ना वो अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नेल पॉलिश ही तो क्लीन करनी है। अदरवाइज़ अगर आपका थिनर अच्छा नहीं है तो आपके नेल येलो हो जाएंगे, या आप कभी लोकल थिनर से साफ़ करते हैं तो आप देखेंगे आपके नेल कितने ड्राई हो जाते हैं। तो ये जो कलवार का थिनर है ना, इससे अगर आप क्लीन करते हो तो एक उससे क्लीन हो जाता है, उसके बाद आपकी स्किन को ये नरिश रखता है, आपको फील होता है कि आपने नेल पेंट निकाल के, ऐसा नहीं जब दूसरे से कभी निकालते हैं ना देने से होते पता नहीं है खुरदरे से लग रहे हैं, इससे अगर आप निकालते हो देन बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और एक बॉटल आपकी 5-6 महीने आराम से चल जाती है। वहीं पे रखती हूँ, अदरवाइज होता क्या है फिर फैलती हैं चीज़ें, यहाँ से जो चीज़ उठाओ उसको वहीं पे उसके जगह पे रख दो। ओह वाह, मेरा गुड्डू कंघी नहीं मैं करती हूँ, क्योंकि आप सबको पता होगा मैंने कंघी कितने सालों से नहीं की है, मेरे वाले ऐसे ही रहते हैं। मेरी मम्मी जब भी आती है ना, जब मुझे कहीं ले जाती है, कंघा तो कर ली, कितना लग रही तू, कितना लग रही कंघा कर ले, ऐ लग रहे जैसे झाड़ नहीं होंगे, झाड़ मतलब झाड़ियाँ होती हैं ना, जैसे बिखरी हुई झाड़ू होता है, ऐसे बोलती मेरी मम्मी, एक तो तेरी कलर करवा लिया, ऊपर जैसे लग रहा है ऐसे झाड़ू जैसे तेरे बाल हो गए। कुछ कुछ जब मैं घर में जाती हूँ, मेरे घर में कोई आता है तो ऐसे बोलता है कि सफ़ेद बाल आ गए क्या तेरे, देखो यहाँ पे ना इसको देख के लगता है कि ये बाल सफ़ेद सफ़ेद हो गए। और मुझे भी ना अपने बाल मतलब ठीक है, कभी कभी अच्छे लगते हैं, कभी कभी अच्छे नहीं लगते हैं,
बट चलो कोई ना, आज मेरी एक क्लास है, तीन दिन मेरी दो क्लासेस होती हैं, पहले दो दिन दो होती थी, अभी तीन दिन दो होती है और दो दिन एक होती है. अभी तक तो मैं डेली क्लास जा ही रही हूँ, जब कानपुर गई थी तब मेरी क्लासेस मिस हुई थी, अदरवाइज़ मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं क्लास ज़रूर लगा पाऊँ, बाकी काम थोड़ा आगे पीछे कर लेती हूँ. उसके बाद आज मैं पता है क्या एक्सप्लोर करने जा रही हूँ, वी आर पंजाब मॉल में मैंने होम सेंटर एक्सप्लोर किया, स्टोर 99 सारा एक्सप्लोर कर लिया एंड रिलायंस मार्केट एक्सप्लोर कर ली. वो आप मेरे व्लॉग में जाके देख सकते हो कि मैंने क्या कैसे कैसे क्या क्या किया है. आज हम एक्सप्लोर करेंगे शॉपर स्टॉप और एक और चीज़ है वो एक्सप्लोर करेंगे. और आज मैं अकेली जा रही हूँ, अदरवाइज़ अकेली जाती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी फ्रेंड लोग होती है वो मेरे साथ चल पड़ती है. देखते हैं आज अगर किसी का साथ बना. वैसे आज मुझे अकेली को ही जाना है क्लास के बाद सीधा अलांटे. अलांटे में ना, अगर कोई चंडीगढ़ से देख रहा है तो उसको पता होगा, होम सेंटर का जो है अभी काम चल रहा है, होम सेंटर वहाँ पे है, लेकिन वो ना अभी उसको रिनोवेट कर रहे हैं, तो इसलिए होम सेंटर को हम वहाँ के को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे. अदरवाइज़ मैंने सुना है कि वहाँ का जो होम सेंटर है वो भी काफ़ी अच्छा है. बट कोई ना, होम एक किसी ने मुझे बताया था कि वहाँ पे $99 कुछ करके है, एक होम करके कुछ है, वो भी काफ़ी अच्छा है. सच्ची बताऊँ, कानपुर में आई थिंक शॉपर स्टॉप है नहीं है, चेन्नई में शॉपर स्टॉप था, तो मैंने शॉपर स्टॉप के बारे में सुना है, लेकिन फर्स्ट टाइम पहली बार आज मैं जा रही हूँ उसको एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ये बैग ना दीपू ने जो मुझे गिफ्ट दिया है, वही मैं वाला बैग मैं यूज़ कर रही हूँ. और देखो मेरे क्यूट से हेडफोन इसमें है, ये मैंने स्टोर 99 से लिए हैं. अच्छा लगता है ना ऐसे क्यूट क्यूट सी चीज़ें. और बैग में ना जब आप चीज़ें ऐसे करके डालते हो तो आसानी रहती है उसको ढूंढने के लिए. जब क्लास जाना होता है ना तो मुझे वैसी फीलिंग आती है जब स्कूल जाने के लिए नहीं रेडी होते हैं. बट ये मेरी टाइमिंग थोड़ी लेट है, भारत को जाना पड़ता है सुबह सुबह. ये है मेरा छल्ला, इंडियन यूट्यूबर प्रियंका, ये शिमला से हमने बनवाया है. और जिसने ये लिखा है इंडियन यूट्यूबर प्रियंका, वो बहुत ही अच्छी हैं. हम वहाँ पे वहीं पे थी वो जिन्होंने ये लिखा था, एंड मुझे मैंने ये बहुत संभाल के रखा है, मेरे दिल के ये बहुत करीब है. एक तो शिमला और एक जिसने ये लिखा है वो. ये है गिफ्ट ऑफ शिमला, ये भी मैंने बैग में रखा है. आपको पता है यहाँ से शिमला कितना पास है, 4-4.5 घंटे लगेंगे. और अभी थोड़ा मौसम अच्छा नहीं है शिमला का, मेरे कुछ फ्रेंड है वहाँ पे, वो बता रहे थे. जब मैं आई थी कालका पहुँच गई थी, जब मैं गलती से मुझे चंडीगढ़ उतरना था कालका मेल में कानपुर से, तब मैं उस दिन सोलन गई थी, कुछ काम था, लेकिन उसी दिन वापस आ गए थे शाम तक, तो वहाँ पे घूम नहीं पाई, फिर मैं इधर ही आ गई थी. तो अभी मुझे घूमने के लिए भी वहाँ पे जाना है. और मेरे इस पर्स में एक और चीज़ है, ये गिफ्ट मुझे भारत ने दिया था व्हेन आई वाज इन सेकंड, मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था फर्स्ट ईयर. ये मनाली से लेके आए थे घड़ी, भारत अपने दोस्तों के साथ, फिरोजपुर में पढ़ते थे, अपने दोस्तों के साथ गए थे, तो ये मैंने आज तक भी संभाल के रखी हुई है घड़ी. चलती नहीं है ये, पर मैंने संभाल के रखी है, आज इसे किसी को लगा के जाते हैं. देखो व्हाइट नेल पेंट अच्छा लगता है, नाखून है नहीं मेरे, पर फिर भी मुझे शौक बहुत होता है नेल पेंट लगाने का. और ना मेकअप मैनिया, हाँ मैं आपको बताना भूल गई, मेकअप मैनिया करके एक ब्रांड है, सबका लिंक मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वो आप चेक कर सकते हैं. यहाँ पे ना आपको कॉम्बो मिलता है नेल पेंट्स का, और इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं, मैंने एक दो अपने फ्रेंड्स को दिए हैं, उन लोगों ने भी ऑर्डर किए हैं. लाइक इतने अच्छे अच्छे कलर है ना, ये आपको मुझे नहीं लगता और कहीं मिलेंगे. आप इसका सिंगल कोट अप्लाई करो तो आपको बहुत अच्छी मतलब लुक मिलती है. मेरे नाखून बड़े नहीं है पर फिर भी मैंने लगाया है. और अगर आप ट्रिपल कोट अप्लाई करते हो देन आपकी जो फिनिशिंग आती है ना नाखूनों की, और जो नेल पेंट के कलर्स है लाइक आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो कलर भी उनके पास है. तो नीचे लिंक है, मैंने पूरा कॉम्बो मंगवाया, बट अभी मैंने आपके साथ दो ही शेयर किए हैं, आके या फिर कभी आपके साथ पूरा मैं शेयर करूँगी अपना जो नेल पेंट का कलेक्शन है वो, तो आप उसको चेक कीजिएगा. ऑसम कलर्स है, क्वालिटी सुपर्ब है, सिंगल स्ट्रोक से भी अच्छा है, डबल ट्रिपल स्ट्रोक लगाओगे तो ज़्यादा बेटर आता है. और सबसे अच्छी बात मेकअप मैनिया की है कि उसकी पैकेजिंग एंड उसके कलर्स. वैसे अगर मुझ पर यकीन नहीं आता हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर खुद जाकर भी चेक कर सकते हैं, रिव्यू पढ़ सकते हैं. हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हो. मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है, खाना खाऊँ.
और फिर निकलूँ। वैसे मैंने सुबह भरत के साथ पोहा खाया था पर मेरे को अभी बहुत और भूख लगी हुई है। रखने हैं क्योंकि अगर ऐसा होता है क्लास में होती हो या कहीं घूमने जाती हो तो बारिश लग जाती है। वैसे दो तीन दिन से बारिश नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार। घड़ी पे कोई मुझे टाइम पूछे ना तो पता भी नहीं चलेगा। बताए मैंने भारत की जितनी भी चीज़ें हैं ना उन्होंने मुझे दी हैं, मैं उन सबको बहुत संभाल के रखा हुआ है। प्यारी लग रही है ना पिंक कलर की। अपने काम खुद से करने चाहिए। जब आप अपने काम खुद से करते हैं ना, अपनी अकेले की कंपनी को एंजॉय करते हैं ना, उससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं होती है ज़िंदगी में। हर चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे मिला है मैंने इन दो सालों में। आपने तो दो साल की लाइफ देखी है मेरी यूट्यूब की, बट थ्रू आउट द लाइफ 27 ईयर्स में जो मैंने ज़िंदगी का एक्सपीरियंस किया है ना, बहुत दुख देखे हैं, सुख भी देखे हैं, लेकिन ज़िंदगी स्टार्टिंग से ऐसी दुख दुख भरी थी क्योंकि जब बहुत छोटे थे तो फादर नहीं रहे थे। उसके बाद जब खेलने के दिन थे तब काम किया है बहुत ज़्यादा। गांव की लाइफ तो आप सबने मेरी मतलब गांव तो आपने सबने देखा होगा। तो ज़िंदगी में ना हर चीज़ का एक्सपीरियंस मिला है। मैं जब मॉल में जाती हूँ आई मीन आई सी कपल वहाँ पे घूमते हैं, सारी चीज़ें कपल करते हैं, देन आई मैं अकेले सब चीज़ें करती हूँ, देन मुझे अपने आप पे प्राउड फीलिंग होती है कि मैं अकेले सब चीज़ें कर रहा हूँ। मुझे इतना प्राउड फील होता है कि मैंने खुद से शिफ्टिंग कर ली, खुद से घर ढूंढ लिया, अकेली सब चीज़ें कर ली। आपको पता है शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी, हर काम करने में, हर डिसीजन लेने में, सारी चीज़ें करने में। लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं कानपुर में थोड़ी बंद के रह गई है ना, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मैं खुद ही करती थी। लेकिन बीच में मैं बीमार हो गई, फिर मैं अकेले ट्रैवल करना मैंने बंद कर दिया। शादी के आई थिंक 4 साल तो ठीक थे, उसके बाद बीच में 1 साल जब मैं चेन्नई में बीमार हुई तब वो वाला जो पीरियड था मेरे लाइफ का वर्स्ट पीरियड था। उसके बाद आफ्टर मिसकैरेज जो मेरी ज़िंदगी, मैंने जो चीज़ें देखी, मिसकैरेज हो गया, कैसे कैसे क्या क्या नहीं देखा मैंने, तो हर चीज़ से ना मुझे एक्सपीरियंस मिला है, एक लेसन मिला है। दुनिया आपको किसी तरह से जीने नहीं देगी। जब दुनिया पूरी आपके अगेंस्ट भी हो जाए ना, तब भी अगर आप खड़े हो ना, बस हिम्मत मत हारो, खड़े रहो, चलते रहो, काम करते रहो। क्योंकि आपको पता है एक कहावत है कि अगर सपोज किसी कोई इंसान हमसे हमें हम पर बहुत प्यारा है, वो हमारे बीच में ना रहे, है ना। जैसे मेरे फादर चले गए, उनकी बाद भी ज़िंदगी चल रही है ना, सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। तो किसी की भी मतलब ज़िंदगी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। मिसकैरेज हुआ, मैं ऐसी हो गई, ये वो, मतलब मैं डर दब्बू टाइप हो गई थी, डरती थी अकेले ट्रैवल करने में और मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। ये सब चीज़ें ना बस ज़िंदगी नहीं रुकती है, बस ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी इसी का नाम है। और खुद के काम खुद से करोगे ना बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको, अंदर से प्राउड फील होता है। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जिस चीज़ को आपका मन करे, कोई एज फैक्टर नहीं होता है कि आप अब मैरिड हो, आपको अगर कुछ पढ़ने का मन है या कुछ कोर्स करने का मन है, कुछ नई चीज़ ट्राई करने का मन है, देन करो, बस करो। बहुत मज़ा आता है जब ज़िंदगी आप अपने तरीके से जीते हो, यहाँ पे आप अपने डिसीजन लेते हो, और जब खुद से कुछ करते हो ना उस चीज़ का जो मज़ा है ना, खुद से कुछ एनीथिंग कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं है, खुद से कोई डिसीजन लेते हो, बहुत मज़ा आता है। तो ज़िंदगी इसी का नाम है। लेकिन इसके बीच में मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया कि सबकी लाइफ आगे बढ़ गई है, मेरी मम्मी के लिए मुझे बहुत फील होता है। शी इज़ अलोन, वो अकेली हैं, सबकी शादी हो जाएगी, सब अपने लाइफ में इंजॉय करेंगे, मैं भी करती हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे उनके लिए बहुत फील होता है, शुरू से बचपन से होता है। तो बस मुझे उनका ध्यान रखना है उनके लिए, मतलब मेरी ज़िंदगी में भारत, वो मेरी फैमिली, बस यही तो इम्पोर्टेंट लोग हैं। यही मेरी मतलब यही मेरा कहते हैं ना गरूर है मेरी फैमिली एंड बस। और मेरा काश मिसकैरेज ना होता। मेरी मम्मी जब भी मुझे मिलती है ना बोलती है अभी ना कौन सा छठा महीना चल पड़ा होता, तो
उस मिसकैरेज ने ना मुझे अंदर से तोड़ दिया है, बहुत टूट गई हूँ मैं अंदर से। अभी फिर से मैं अपने आप को खड़ी करती हूँ, अपनी हर एक चीज़ को इन्जॉय करती हूँ। और सीरियसली चंडीगढ़ में आके आई वॉज फीलिंग लाइक ऑसम। तेरा साथ है तुम अंधेरों में भी। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है शॉपर स्टॉप होम स्टोर नेम है जो सेकंड फ्लोर पे है, एंड जो शॉपर स्टॉप भी आई थिंक वहीं पे है, एंड वेस्ट साइड थर्ड फ्लोर पे है। दीज आर द बेस्ट ब्रांड टू शॉपिंग। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड जिसने मुझे ये सेंड किया है कि आप वहाँ पे जो है शॉपिंग कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने घर के लिए चीज़ों को। तो अभी तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं वहाँ पे जाती हूँ, देखती हूँ सच है कि नहीं है, क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी प्राइस पे हैं, कैसी क्वालिटी है। एक बात बताओ, रात को ना मैं भारत ऊपर पंखा चल रहा है देखो, तो इसकी ना बहुत आवाज़ आ रही होगी। आई नो, मैं और भारत ना कल कृष्णा मार्केट गए थे, अब बिलीव नहीं करोगे, 5 मिनट के लिए भारत ने क्या किया, भारत मुझे लेकर गए और वहाँ से मैंने मैट लिए 25-25 रुपये के, 50 रुपये के दो मैट, एक मग्गा लिया नहाने वाला और एक साबुनदानी ली और ये वाली जुराबे ली 20-20 रुपये की, और रुमाल लिए 20-20 रुपये के 3 भारत के लिए बस। और मैंने कहा भारत मुझे ऊपर भी जाके देखना है, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं ऊपर नहीं जाना है, फटाफट चलो जल्दी जल्दी चलो। ये देखो मेरे निशान, ये मिसकैरेज के बाद ना ये निशान देखो ऐसे पड़ गए हैं, ऐसे तो ज़्यादा लग रहा है, ऐसे ऐसे मिल गए हैं। ये वाले मैट हैं जो 25-25 रुपये के जोड़िए। मेरे जूते कहाँ पे हैं, हम जूते यूजली बाहर ही खोलते हैं, अंदर कोई अंदर चप्पल लेके नहीं आता, सब बाहर खोलते हैं, ऐसे अंदर तक मैट मैट लगे हुए हैं। इसका कवर दे दो। ऑटो में ऊबर मैंने बुक की, एक्चुअली ऊबर गेट नंबर 3 पे आ गई, पिछली वाली साइड, आगे वाली साइड में नहीं आई। आगे गया मेरा सारा सामान, बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ, एंड शॉपर स्टॉप का एक्सपीरियंस मेरा ऑसम था। जैसे होम सेंटर अच्छा है वैसे वो भी अच्छा है, वहाँ पे बहुत एंटीक चीज़ें हैं, यूनिक सी कर्टन भी, कुशन कवर भी, कुशन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सामान तो खरीदा है लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपको दिखा पाऊँ ये सारा सामान है। इनको मैं अभी अनपैक नहीं कर सकती, और बीच में कुछ टूटने वाला सामान भी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि शॉपर स्टॉप से मैंने क्या क्या शॉप किया। एक्सपीरियंस वाज ऑसम। क्लास के बाद सीधा वहीं पे गई और वहीं पे मेरे 2-3 घंटे लगे। वहाँ पर मुझे एक सब्सक्राइबर मिले, वो मोहाली से थे, और मैं एक्चुअली वेट कर रही थी क्योंकि मैंने ना कर्टेन लिए हैं,
अब मैं आपको बता दूँ, बेडरूम की शॉपिंग तो हो गई थी, किचन की एंड बाहर जो डाइनिंग टेबल के वहाँ पे कर्टन मैंने लिए हैं तो उसकी शॉपिंग कर रही थी। उसको ना पर्दे को कट करवाना था, उसको वहाँ पे टेलर के पास देना था, तो मैं वहाँ पे बैठ के वेट कर रही थी। तो उसने मुझे देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, बट मैंने उनका नाम नहीं पूछा। तो वो सोच रहे थे कि मे बी मैं उनको मिल जाऊँ लांटे में, बट उनको ऐसा लग रहा था कि मैं वी आर में जा भी जाती हूँ। और बताए, जब हम पहले मॉल गए थे तब भी मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले थे मॉल में। जब भी मैं लांटे जाती हूँ तो मुझे मतलब मिल ही जाते हैं 5-6, एक बार तो 8 लोग इकट्ठे मिले थे मुझे। तो दिन मेरा बहुत अच्छा निकल जाता है जब मुझे कोई मिलता है। एंड ज़रूर एक बार शॉपर स्टॉप को ट्राई करना चाहिए अगर आप घर के लिए कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि घर की चीज़ें जो होती है ना एक बार बनती है और उसको बहुत अच्छे से बनाना चाहिए दिल से। एंड मैं अभी ना सुपर टायर्ड हूँ, सुपर टायर्ड, सिर्फ शॉपर स्टॉप ही गई। हाँ, और मैंने जो ट्राई किया ना, आपने देखा होगा एक सूट था शरारा टाइप, वो बहुत कॉस्टली था, इट वॉज़ अराउंड 5,000। लेकिन मैंने ट्राई किया, अच्छा लगा मुझे, मुझे वैसे लेना नहीं था, मैंने ऐसे ट्राई कर लिया कभी फिर कभी लेना हो, बट बहुत कॉस्टली था। शॉपिंग के मामले में मतलब कुछ सस्ते भी हैं वहाँ पे, ऑफर में भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो शॉपर स्टॉप को। एंड मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज रियली नाइस, मुझे पता नहीं चला 3 घंटे मेरे कैसे निकल गए चुटकियों में। और जो आखिर के 15 मिनट थे ना, जो वेट करना पड़ा मुझे पर्दे का जो कटिंग के लिए, वो नहीं निकल रहे थे क्योंकि मैं पक गई थी पूरी तरह से। ऐसे ही आपको ऊपर से दिख रहा होगा, ये एक रैक है जो मैंने, मल्टीपर्पज रैक है, बस इस रैक में एक रैक ही है। ऐसे देखने को ये 4 झोले लग रहे हैं लेकिन इसमें एक रैक ही है। अब बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि डेकोरेशन मैं इतने अच्छे तरीके से करूँगी, एंड जो कलर लिया है पर्दों का ऑसम है। मैंने सोचा था कि पूरी डेकोरेशन करने के बाद ना आप लोगों के सामने हाउस टूर शेयर करूँगी, बट आप सब बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे और हाउस टूर के ब्लॉग को देख के एवरीवन इज कमेंटिंग लाइक भूल भुलैया है। मैं भी भूल गई मुझे करना क्या है, मुझे खाना क्या है, क्या खाना है। डाइनिंग टेबल पर बैठने वाली हालत नहीं है, गर्मी से ना इतनी बुरी हालत हो रही थी, मैं इसी वाले रूम में बैठ के नीचे बैठ के खाना खाऊंगी। थक गई आज मैं बहुत बुरी तरह से, बहुत मज़ा आया होम शॉपर स्टॉप में। ये देखो, पता नहीं किसी का पैर लगा, ये कुछ लगा, यहाँ से निकल गया। जब चीज़ ली है तो गंदी तो होगी वो, ऐसा तो सब चलता है। और ना गेस कीजिएगा कि मैंने डाइनिंग एरिया के लिए कैसे कलर के कर्टन लिए होंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है। यू नो, जब मैं कल भारत के साथ कृष्णा मार्केट गई थी ना, वहाँ पे 150 के 2 कर्टन मिल रहे थे, लेकिन उनकी जो क्वालिटी थी लाइक अच्छी नहीं थी क्वालिटी। तो मुझे शॉपर स्टॉप में होम सेंटर के भी अच्छे कर्टन ना ऐसे ही वाला लिया है, जिनका अगर आप कपड़ा देखोगे तो बहुत मोटा वाला है और क्वालिटी हाथ लगा के पता चलती है, और रीज़नेबल रेट पर सारी चीज़ें मिल रही हैं। और जो शॉपर स्टॉप से मैंने पर्दे बाय किए हैं, और इवन आप मार्केट से अगर उन पर्दों को बाय करोगे तो मार्केट की प्राइस से मुझे वो बेटर प्राइस लगता है, क्योंकि वहाँ पे मुझे बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती। और मैंने इससे पहले 2-3 शॉप्स हैं जो पॉपुलर शॉप्स हैं मैं यहाँ पे, वहाँ पे भी पता किया था, तो वहाँ पे वो बोल रहे थे कि हमारे पास पूरे थान है। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा कि हमारे पास पूरे थान है, आप इनमें से पर्दे बना सकते हो, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, तो इट्स बेटर कि आप उधर ले लो। और मुझे ना लाइक अपने घर को ना ऐसे लिविंग एरिया बनाना है, ऐसे बेडरूम में बैठ के भी लगे वाह भाई क्या बात है। चलो जी, खाना मेरा हो गया, इस टाइम भी होता है ऐसा, ऐसा शेड्यूल हो गया है लाइफ में, टाइम भी नहीं बचा है कि टाइम पास कर सके। कभी कभी कोई कोई मुझे फ़ोन करके पूछता है, हस्बैंड तो फिर चले जाते हैं काम पे, फिर तू क्या करती है। मतलब मैं बोलती हूँ फिर टाइम पास कैसे होता है, मैं बोलती हूँ टाइम है ही कहाँ पे जो पास हो, जिंदगी तो जी रहे हैं। मतलब इट्स लाइक ऑसम व्हेन यू आर बिजी इन योर लाइफ, देन यू फील रियली रियली नाइस। जब संडे होता है, सैटरडे होता है ना, आपको इतना रिलैक्स फील होता है, यू रियलाइज द रियल वैल्यू ऑफ सैटरडे एंड संडे, बहुत मज़ा आता है।
एंड अभी थोड़ी देर रेस्ट करना है क्योंकि थकान बुरी तरह से हो चुकी है, आधा पौना घंटा तब तो भारत भी आ जाएंगे। फिर मैं बनाऊंगी चाय एकदम से ना करके, मैं चाय नहीं पीती हूँ। एक और बात बताऊँ, मेरा ना ये गर्दन देखो कितनी मोटी हो गई है। आज सुबह मैंने ना एक टॉप टी शर्ट डाली थी, कानपुर में टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी से आती थी, फिर अभी मेरी गर्दन में चुभ रही थी। भारत मुझे बोल रही थी गर्दन देख तेरी कितनी मोटी हो गई है, और मेरा फैट आ गया मुझे। तो मैंने अब सोचा है कि आई शुड स्टार्ट ग्रीन टी का पाउच लेके रखा हुआ है, बट मैंने ग्रीन टी पी नहीं है। तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं ग्रीन टी स्टार्ट करूँ। एंड मैं ना वाइपर से जो है पोछा लगाती हूँ, तो मेरा मन कर रहा है मैं झाड़ू पोछा अपने हाथ से बैठ के लगाऊँ। यार मतलब वेट गेन इज़ नॉट ए गुड साइन ना, आपका वेट गेन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आके मैंने ना बहुत उल्टा पुल्टा खाया है, पिज़्ज़ा और बाहर के ढाबों की रोटियाँ, मिठाई इतनी खाई है, मेरा इतना मन कर दिया ना मीठा खाने का, तो उसने मेरे को मोटापा कर दिया। बट चलो कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बेडरूम तो कुछ नहीं है, वैन यू विल सी द मतलब जिस तरीके से मैं अभी अरेंजमेंट करूँगी नेक्स्ट अपने घर का, वो आप देखते रह जाओगे। तो कोई नया मेम्बर अगर देख रहा है आपको मैं कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके भाई बहन हर एक औरत की ज़िंदगी में ये फेस आता है, तो यू कैन शेयर विद एवरी वन, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी। इवन अगर आप कुछ नया बाय करना चाहते हैं, नई चीज़ लेना चाहते हैं, नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इट्स लाइक अ ऑसम ब्लॉग फॉर यू। मैं प्रियंका आपसे मिलती हूँ विद अ न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।